हेलो दोस्तों, आजाद कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वर्डपैड के होमोनी के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से खोल लेते हैं वर्डपैड। ये देखिए वर्डपैड का यहाँ पर इमेज है, इसको हम खोल लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा वर्डपैड खुल चुका है। ठीक है दोस्तों, तो हम पिछले वीडियो में आपको फाइल मेनू के बारे में बता चुके हैं, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे होम टैब के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन है कट कट, आप जो कि आप लोगों को नोट पैड के बारे में बताया थे पहले पहले, जो कि नोट पैड के जो प्रोग्राम है वही वही कमांड वही प्रोसेस इसमें भी है कट और कॉपी का। ठीक है, आप जिस सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर पढ़ते चले जाएंगे ये आपको हमेशा हमेशा मिलता जाएगा, कट कॉपी पेस्ट, ये तीन चीज़ हमेशा आपको मिलेगा। ठीक है, तो कट कट क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई हम फाइल ओपन कर लेते हैं, हम आप लोग बताएं यहाँ से ओपन करने के लिए। चलिए यहाँ से मान लीजिए हमारे नाम कोई फाइल है, ये हम खोल लिए। ठीक है, ठीक कट हमारा कब वैलिड होगा, जब यहाँ से हम सिलेक्शन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जितने भी जो अक्षर या टेक्स्ट जो भी है तभी हमारा हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ से हम कट कर सकते हैं, ये साफ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि सेलेक्ट करके यहाँ से हम कट कर सकते हैं, मतलब साफ कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी का मतलब क्या होता है कि हम नकल कर सकते हैं। कॉपी कब हाईलाइट होगा दोस्तों, जब हम सिलेक्शन करेंगे तो हमारा कॉपी भी हाईलाइट होगा। ठीक है, तो कॉपी यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, नकल हो गया तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है कॉपी हुआ है, ये कब दिखाई देगा यहाँ से जब हम पेस्ट करेंगे तब। ये देखिए पेस्ट का मतलब बढ़ता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इतना सिलेक्शन करके और यहाँ से हम कॉपी कर लें तो इतना जल्दी से जल्दी डेटा को हम पेस्ट करा सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से हम पेस्ट कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट है पेस्ट का कंट्रोल भी, इस तरह से भी आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी में एक और ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल। ठीक है, पेस्ट स्पेशल क्या होता है दोस्तों, पेस्ट स्पेशल से हम किसी टेक्स्ट या वर्ड को पिक्चर के रूप में कर सकते हैं। जैसे फिलहाल मैं यहाँ पर अपना नाम ही लिख देता हूँ पवन। ठीक है, यहाँ से मैं अपना नाम लिख देता हूँ पवन चौहान। ठीक है, पवन चौहान, और यहाँ से मैं इसको सिलेक्शन करूँगा दोस्तों। देखिए पेस्ट स्पेशल को करने के लिए हम जो कि सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे, ये देखिए ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम कीबोर्ड की सहायता से शिफ्ट और एरो की जो है कि लेफ्ट वाली से इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कॉपी करेंगे दोस्तों और फिर इस पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पिक्चर मेटा फाइल पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो टेक्स्ट स्पेशल की सहायता से हम पिक्चर के रूप में कर सकते हैं, जो टेक्स्ट या वर्ड लिखा रहेगा वो पता नहीं चलेगा दोस्तों कि क्या लिखा है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर आप सोच रहे हैं कि उसको हम सही करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको कर सकते हैं। फिर इसमें जाएंगे पेस्ट स्पेशल पर और यहाँ से हम रिच टेक्स्ट फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तब सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नहीं हुआ एक बार और करके देखते हैं, ये देखिए हो जाएगा, हो गया, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो पेस्ट स्पेशल का मतलब होता है किसी टेक्स्ट को वर्ड को पिक्चर के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला कमांड है जो है कि ऑप्शन है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली क्या होता है दोस्तों, फॉन्ट फैमिली के अंदर जो है फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे ये लिखावटें हैं इसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे जितना हमको चेंज करना है उतना हम सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से इसके अंदर जाके जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लग रहा है, ये देखिए आपको प्रीव्यू दिखा रहा है वर्क एरिया पर, आपको जो अच्छा लग रहा है यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से आप फॉन्ट जो है चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जो है हमारा ऑप्शन है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज क्या होता है दोस्तों, जितना आप सिलेक्शन करेंगे उतना यहाँ से आप फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जो भी बड़ा घटा सकते हैं, जितना आपको चाहिए, देखिए जितना बड़ा साइज चाहिए वैसे आप साइज कर सकते हैं, इतना आपको साइज बड़ी चाहिए तो यहाँ से उसकी साइज इतना हम बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से लेके हमको इतना बड़ा चाहिए, इतना बड़ा चाहिए, इस तरह दे सकते हैं। ठीक है, तो जितना आप सिलेक्शन के उतना डेटा को फॉन्ट फैमिली बदल सकते हैं या फॉन्ट साइज बदल सकते हैं। ठीक है, उसी के बगल में दो आइकन है, एक ग्रुप फॉन्ट है और एक श्रिंक फॉन्ट है, तो वही इसी का काम है, क्योंकि इसमें इमेज की टाइप में दे दिया गया है, तो इससे भी हम साइज को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, इससे हम ग्रो मतलब बढ़ेगा, देखिए साइज बढ़ रही है, जितना चाहे इतना बढ़ा सकते हैं, मतलब इसकी जो एक अंदर जो क्वालिटी है इसके अंदर 72 तक ही आप साइज को बढ़ा सकते हैं, इसमें आप कितना हो बढ़ा सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, इस तरह से घटा सकते हैं। ठीक, ऑटोमेटिक जल्दी मिटाना आप साइज को, तो यहाँ से आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ठीक, तो यह चीज़ हो गया हमको। अब हमारा अगला जो ऑप्शन है बोल्ड, ठीक है,
तो बोल्ड का मतलब होता है दोस्तों कि हम किसी भी टेक्स्ट या वर्ड को सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर सकते, मतलब मोटा कर सकते। ये देखिए मोटा हो गया, इतना आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से बोल्ड करें, ये देखिए बोल्ड हो गया। चलिए हम थोड़ा साफ कर लेते हैं और इसे देख लेते हैं कि अच्छा सा हुआ हो रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम एक एक करके आपको इसमें कंट्रोल आपको बता देंगे ताकि अच्छी से समझ में आए। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लिया हमने इसे डेटा टाइप कर रखा है और नेम कौन सा वहाँ, तो हम इसको सिलेक्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप जितना करना चाहते हैं बोल्ड तो उतना आप यहाँ से सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए मोटा हो गया, हो गया दोस्तों। चलिए इसमें थोड़ा सा हम साइज बढ़ा लेते हैं ताकि पता चले। ये देखिए इसको सैंपल, हम सभी का साइज सैंपल कर लेते हैं यहाँ से, मान लीजिए 28 24 तक नहीं हम कर लेते हैं 20 तक, ताकि हमारा जो है सैंपल रहे। ठीक है, तो ये देखिए डेटा हमारा जो है कि बोल्ड हो चुका है। ठीक है, हम सोच रहे हैं बोल्ड कर लें, हम सोच रहे हैं बोल्ड नहीं करना चाहते, फिर जो है सिंपल हो जाए तो यहाँ सिलेक्शन करें, इसको अनचेक कर देंगे, जाएंगे सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम बोल्ड कर सकते हैं दोस्तों, और इससे हम सिलेक्शन करके यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, मतलब जितना आप सिलेक्शन करें उतना हो जाएगा। आप चाहें तो तीनों चारों को एक ही संग लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मोबाइल नंबर जो है कि हम अंडरलाइन दे सकते हैं नीचे, इसके अंदर जो ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो है कि इसको बोलते हैं स्ट्राइक शॉट, स्ट्राइक शॉट के द्वारा हम जो है कि इसको बीचों बीच जो है कट कर सकते हैं, लाइन दे सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि इस पर चारों लग जाए, बोल्ड भी लग जाए, इटैलिक भी लग जाए, अंडरलाइन भी लग जाए और स्ट्राइक शॉट भी लग जाए, तो हम सिलेक्शन करेंगे और बोल्ड भी करेंगे, इटैलिक भी करें और अंडरलाइन भी करेंगे और शॉर्ट भी। देखिए चारों ऑप्शन इस पर हम काम कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों इसमें से आपको बीच वाला स्ट्राइक नहीं चाहिए, जो बीच से लाइन है स्ट्राइक शॉट, इसको हम चेक करेंगे तो हट जाएगा, मतलब जिसको आप चेक करेंगे वो हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये हटेगा कब दोस्तों, जब सिलेक्शन करेंगे तब तो ये होगा ऑन होगा, और जब सिलेक्शन करेंगे तो ऑफ होगा। ठीक है, लगा सकते हैं और हटा सकते हैं, सिलेक्शन रहेगा तब, इतना आपको ध्यान दे रहा। ठीक, चलिए दोस्तों हम सभी को सिंपल कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अंडरलाइन भी हटा लेते हैं, अंडरलाइन से हमारा हट गया, स्ट्राइक थॉट भी हम यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक, सब सिंपल हो गया, बोल्ड भी हटा लेते हैं, देखिए बोल्ड भी हट गया, इसमें बोल्ड इटैलिक हमारा है तो बोल्ड इटैलिक को अनचेक कर लेते हैं। ये देखिए सब सिंपल हो गया, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारा एक, ये जो है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या होता है दोस्तों, सब स्क्रिप्ट का मतलब है कि नीचे वाले घात से हम लिख सकते हैं। जैसे आप लोग कभी सुने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर घात में लिखा जाता है, तो इस पर जब लिखेंगे आप लोग तो जैसे मान लीजिए यहाँ मैं लिख के दिखा रहा हूँ नीचे, ए स्क्वायर, तो देखिए उसी उसी के लाइन में लिख के आ रहा है, अच्छे से नहीं लिख रहा है प्लस। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ऐसे लिख के आ रहा है, सिंपल है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी को हम आप लोग को बता देते हैं कि ये चीज़ किसके लिए होता है, दो चीज़, एक सब स्क्रिप्ट है एक सुपर स्क्रिप्ट। तो देखिए दोस्तों ये जैसे मान लीजिए है, तो हम चाहते हैं कि इसको नीचे घात में लिखना चाहते हैं, ये स्क्वायर जो है, तो देखिए सिंपल में है, तो हम चाहते हैं यहाँ से थोड़ा सा हम सिलेक्शन करेंगे, देखिए सिलेक्शन हो गया, तो इस सब स्क्रिप्ट का मतलब नीचे घात में लिख सकते हैं, नीचे घात में हो गया, इसको भी नीचे घात में करना चाहते हैं तो सिलेक्शन जितना सिलेक्शन करें उतना नीचे घात में आप कर सकते हैं। ये देखिए ठीक है, लिख के भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं दोस्तों कि इसको हम स्क्वायर में कर लें, या जो इसको हम ऊपर घात में करना चाहते हैं, ये जो बी स्क्वायर है नीचे, तो नीचे हम ऊपर वाले इसको सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर की घात में हो जाएगा। ये देखिए ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए यहाँ पवन चौहान लिखा है दोस्तों, तो हम चाहते हैं कि पवन को स्क्वायर में, चौहान को स्क्वायर में हो जाए, मतलब ऊपर घात में, तो हम सुपर स्क्रिप्ट क्लिक करेंगे। देखिए हो गया ऊपर घात में। अगर हम चाहते हैं कि ये बड़का पूरा को नीचे घात में, मतलब नीचे हो जाए दूसरा के नीचे, तो हम सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए नीचे घात में, तो इस तरह से हम कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी हमारा अगला ऑप्शन है दोस्तों नीचे जो है कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है ऐसा बहुत सारे कलर, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। ठीक है, इस ऑप्शन का नाम टेक्स्ट हाइलाइटर कलर है। टेक्स्ट हाइलाइटर होता क्या है दोस्तों, टेक्स्ट हाइलाइटर कलर के द्वारा हम टेक्स्ट के पीछे या वर्ड के पीछे हम कलर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको इस नेम पहुँच ऑन के जो है कि पीछे कलर देना है, तो जितना हम सिलेक्शन करेंगे उतना हम कलर दे सकते हैं। फिलहाल मैं पूरा सिलेक्शन करा और यहाँ से पूरा जो है कि जो आपको कलर अच्छा लग रहा है, यहाँ पर व्यू दिखा रहा है आपको, माउस पॉइंटर से ले जा रहे हैं तो इस पर दिखा रहा है, तो उस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा इस पर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम चाहते हैं कि इतना दूर हमको नहीं चाहिए, तो इतना तो सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से हम नो कलर करेंगे तो कलर हट जाएगा दोस्तों। ठीक है,
इस तरह से हम कर सकते हैं, हम चाहते हैं यहाँ से दूसरा कलर लग जाए इतना से उतना दूर, ठीक है। तो आप चाहे तो जितना सिलेक्शन करें उतना कलर चेंज कर सकते हैं, हटा सकते हैं, जो भी कुछ करना है कर सकते हैं, ये देखिए इतना, ठीक है। तो हम चाहते हैं पूरा एक ही कलर ताकि अच्छा लगे, हम यहाँ से एक कलर लेते हैं ये वाला कलर, ठीक है। तो हम ये समझ गए दोस्तों कि जितना हम कलर जो सिलेक्शन करेंगे टेक्स्ट को उतना कलर हटा सकते हैं, लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो अगर कलर को हटाना चाहते हैं, सिंपल करना चाहते हैं दोस्तों, तो सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से हम नो कलर पर क्लिक करेंगे, कलर हट जाएगा। फिलहाल मैं कलर को लगा लेता हूँ, ठीक है। अब हमारा दूसरा ऑप्शन है दोस्तों टेक्स्ट कलर, ठीक है। टेक्स्ट कलर क्या होता है, टेक्स्ट जो लिखावट है उस पर हम कलर दे सकते हैं, जैसे नेम पहुंचान लिखा है तो हम जितना सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से हम कलर दे सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। चलिए हम कलर थोड़ा सा अच्छा सा कर ले ताकि थोड़ा अच्छा लगे, यहाँ से देखिए, ठीक है। तो इस तरह से हम जो भी अच्छे जैसे हम डेटा बनाएंगे दोस्तों उस तरह से हम डेटा को अनफिट फिट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर रहेगा। जैसा आप जो कोई भी चीज़ डेटा कुछ भी बनाना है आप कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है आप लोगों को बता दिए टेक्स्ट एडिटर का और टेक्स्ट कलर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नेम वाला नेम जो लिखा है वो काला ही रहे या दूसरा कलर लगाना चाहते हैं दोस्तों, हटाना चाहते हैं, तो सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से आप कलर को चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए कलर चेंज और वाइट वाइट हो गया। हम चाहते हैं कलर सिंपल हो जाए तो यहाँ कलर को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से ऑटोमेटिक करेंगे कलर हट जाएगा दोस्तों, ठीक है। पूरा कलर हटाना चाहते हैं सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से कलर को ऑटोमेटिक पर क्लिक करेंगे कलर हट जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अब हमारा जो अगला ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट क्या मतलब होता है, घटता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए हम इस डेटा को जो है कि इस डेटा को जो है इतना सिलेक्शन करें, जितना सिलेक्शन करें उतना आप पीछे ला सकते हैं, ये देखिए ये नहीं हो रहा है दोस्तों। तो इससे पहले हम पढ़ाते हैं, मतलब ये होता है इंक्रीज इंडेंट का मतलब कि हम आगे कर सकते हैं, ये देखिए आगे जा रहा है, ठीक है। अब हम डिक्रीज इंडेंट से हम पीछे कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब हमारा अगला ऑप्शन है, ये तो आप लोग को पता हो गया, ये पीछे करने के लिए है, ये आगे कर, ये देखिए आगे जा रहा है इससे और इससे पीछे जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं, इससे और कलर आपको बताएंगे। और इसके बाद जो है दोस्तों हमारा दूसरा ऑप्शन है स्टार्ट लिस्ट। स्टार्ट लिस्ट का मतलब होता है दोस्तों कि हम जितना डेटा सिलेक्शन करेंगे और उसके आगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे, जैसे आपको नंबर वाला चाहिए तो नंबर दे सकते हैं, अगर पॉइंट वाला चाहिए तो पॉइंट बुलेट दे सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे यहाँ से वो आप यहाँ से आगे पे स्टार्ट लिस्ट लगा सकते हैं ऑटोमेटिक। देखिए आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5। अगर चाहते हैं हम नंबर वाला लगाना चाहते तो फिर सिलेक्शन करेंगे दोस्तों और यहाँ से आप नंबर वाला जो भी लगाना चाहते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं दोस्तों ये नहीं दे रहा है हट जाए सिंपल हो जाए तो यहाँ से आप नन करेंगे तो सिंपल हो जाएगा, ठीक। ये होता है इसका काम। अब हमारा अगला ऑप्शन है दोस्त ये जो है कि लाइन स्पेसिंग, ठीक है। लाइन स्पेसिंग क्या, देखिए जो यहाँ से आपको इतना ज़्यादा जो स्पेसिंग है बीच में तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा स्पेसिंग हो जाए कम स्पेसिंग हो जाए तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लाइन स्पेसिंग के अंदर चलते हैं। यहाँ पर आपको 1.1.15 दिया है, 1.5 दिया है, 2 दिया है, तो आप जिस पे करना का उतना ज़्यादा आपको स्पेस मिलेगी लाइन के बीच में, देखिए इतना ज़्यादा दूरी होगी। हम चाहते हैं दोस्तों कि सिंपल हो जाए तो यहाँ से आप जितना चेक करेंगे उतना छोटा कम होता चला जाए, देखिए, ठीक है। देखिए तो उस तरह से आप प्रीव्यू करके खुद समझ सकते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं दोस्तों सिंपल हो जाए तो यहाँ से एड 10 PT स्पेस, मतलब इसको चेक करेंगे तो पूरा बराबर हो जाएगा, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये लाइन स्पेसिंग का काम होता है, मतलब लाइन के बीच में दूरियाँ देने के लिए और घटाने और बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। जब आप लिखें तो कितना दूरी पर लिखें, देखिए सर्ट कितना लिख रहा है। अगर हम लाइन यहाँ से स्पेसिंग ज़्यादा कर देते हैं दोस्तों, देखिए तो पर ये देखिए लिखते जाएंगे तो मानेंगे बहुत ज़्यादा दूरी ले रहा है, ठीक है। तो इससे हम करने के लिए यहाँ से हटा भी कर सकते कम भी कर सकते हैं, सिलेक्शन करके आप सिलेक्शन करके भी फिट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अब हमारा अगला ऑप्शन है दोस्तों जो है कि एलिगन, ठीक है। एलिगन के अंदर जो है कि चार होते हैं, ठीक है। एलिगन चार होते हैं, जैसे मान लीजिए जो होता है राइट जो है कि लेफ्ट का, ठीक है। तो हम चाहते हैं दोस्तों ये टेक्स्ट जो है, ये जो हमारा टेक्स्ट है इस समय तो फिलहाल हमारे लेफ्ट में ही है, हम चाहते हैं दोस्त सेंटर में जाए मतलब बीचों बीच, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ये देखें बीचों बीच में हमारा टेक्स्ट होगा, बीचों बीच लिखना आराम करेगा, ये देखें, ठीक है। तो हम सेंटर में कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं और ऑप्शन को चालू करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि ये वाला टेक्स्ट जो राइट साइड चला है इधर, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें राइट साइड से लिखना शुरू करेगा और ये राइट साइड में आपका टेक्स्ट भी चला जाएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं दोस्तों कि जैसे था पहले वैसे हो जाए, तो यहाँ पर एक जस्टिफाई वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप
जैसे था वैसे आप कह सकते हैं, ठीक है। ये होता है एलिगन, ठीक है। अब हमारा अगला ऑप्शन है दोस्तों पैराग्राफ। पैराग्राफ बहुत जरूरी जो है कि होता है दोस्तों। पैराग्राफ को अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारा जो है कि टेक्स्ट वगैरह जब प्रिंट होता है तो कट जाता है, ठीक है। तो पैराग्राफ क्या होता है दोस्तों, चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ सिलेक्शन करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे और ये पैराग्राफ का विंडो खुल चुका है। इंडेंट, इंडेंट क्या होता है दोस्तों, ये जो चारों ओर से आप लिख रहे हैं इधर से इस लेफ्ट साइड से, इसी को इंडेंट कहा जाता है, और राइट से, ठीक है। तो हम इधर से चाहते हैं कि 1 इंच दे दें, ठीक है, उधर से राइट साइड से 1 इंच, मतलब एक एक इंच यहाँ से दूरी छूट जाए, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ से भी आप लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं जितना आपको देना है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ से भी आप जो है कि सेंटर में कर सकते हैं, राइट साइड में कर सकते हैं, लेफ्ट में कर सकते हैं, जो भी करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से नहीं करूँगा और यहाँ से मैं ये पैराग्राफ को सेट कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ही लिखेगा और इसके आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जैसे ही वही जाएगा ऑटोमेटिक लाइन टूट जाएगी। ये होता है पैराग्राफ, ठीक है। और हम चाहते हैं दोस्तों कि पैराग्राफ को फिट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको मिटा देंगे 0 0, ठीक है। 0 0 करने के बाद यहाँ से करेंगे तो ये आपका इधर से यहाँ से यहाँ तक लिखेगा, ठीक है। अब हमारा अगला इसमें एक और ऑप्शन जो आप लोग जो बताए थे वर्ड पैड के इंट्रोडक्शन के बारे में, रूलर बार के बारे में। तो रूलर बार क्या होता है दोस्तों, रूलर बार के आप लोगों को बताया नहीं थे कि रूलर बार से ये होता है, बट जो है कि रूलर बार से 2 काम होता है, ठीक है। रूलर बार के द्वारा 2 काम होता है। तो रूलर बार का पहला काम हम जान लेते हैं, जैसे हमारे लिए यहाँ से नेम, ठीक है, टैब दबाएंगे इतना दूरी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। जैसे टैब ऑटोमेटिक दूरी बढ़ती चल जाए बिना स्पेस की, हम स्पेस करते हैं ज़्यादा टाइम लगती है, तो टैब दबाएंगे तो ज़्यादा जो है कि जल्दी से जल्दी का होता है, ठीक है। मान लिया से हमने पवन लिख लिया, हम चाहते हैं कि इसको ना यूज़ करें, दूसरा वाला जो है यूज़ करें। तो टैब यूज करने के लिए देखिए क्या करते हैं, टैब से मतलब रूलर बार के द्वारा हम इस पर चेक करेंगे। देखिए टैब लग चुका है, यहाँ पर लग चुका है या यहाँ पर लग चुका है, ठीक है। फिर हम टैब दबाएंगे, जहाँ आपने टैब सेटिंग की वहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा कर्सर गया और यहाँ से हमने नेम लिखा, फिर टैब ऑटोमेटिक हमारे जहाँ टैब सेटिंग की थी वहाँ चला गया, ठीक है, पवन, ठीक है। फिर टैब दबाया ऑटोमेटिक, इस तरह से हम जल्दी से जल्दी अपने काम को कर सकते हैं। अगर आपको कोई डेटा बना रहा है दोस्तों तो आप इसे आसानी से कार्य कर सकते हैं। ये होता है रूलर बार का। अब इसके बाद तो टैब सेटिंग तो हो गया, लेकिन हम सोच रहे हैं इस टैब को हटाना चाहते हैं। तो हम टैब को हटाने के लिए फिर पैराग्राफ के अंदर जाएंगे और ये यहाँ पर आपको नीचे वाला सबसे नीचे दिखा रहा है टैब पे क्लिक करेंगे दोस्तों। हम चाहते हैं कि इसके अंदर 3 जो है, 3 ऑप्शन, जैसे यहाँ पर एक लगा एक पर और लगा है 3 के बगल में, तो हम चाहते हैं कि तीसरा ना है, तो तीसरा हटा के खाली हम चाहते हैं लास्ट 5 के बगल में जो है। तो यहाँ से क्लियर करेंगे तो बीच वाला हट जाएगा। अगर आप पूरा हटाना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ से क्लियर आल करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे, देखिए पूरा टैब हट चुका है, ठीक है। हमारा अगला ऑप्शन है दोस्तों पिक्चर, ठीक है। तो पिक्चर ऑप्शन के अंदर जो है कि 3 जो है ऑप्शन है। तो पहला समझते हैं दोस्तों, पिक्चर से हम पिक्चर को मंगा सकते हैं। जिस लोकेशन पर आप पिक्चर रखें वहाँ पर आप पिक्चर को मंगा, जैसे मैं फिलहाल मैं इसमें पिक्चर को मंगा, ठीक है। अभी पिक्चर को हम यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और ऑप्शन है दोस्तों चेंज पिक्चर, जैसे मान लीजिए इस पिक्चर को हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये अगर हम इस पर चेक नहीं रहेगा, मतलब सेलेक्ट नहीं रहेगा, तो ये हमारा चेंज पिक्चर और साइज पिक्चर हाईलाइट नहीं हुआ, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से पिक्चर को आप चेंज कर सकते हैं और सेलेक्ट करके दूसरा पिक्चर आप वहाँ की जगह पर मंगा सकते हैं, ठीक है। हम सोच रहे हैं पिक्चर मंगा लिया, आप सोच रहे हैं दूसरा पिक्चर, तो आप जितना भी जाएंगे उतना पिक्चर आप सेलेक्ट करके मंगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अगर इस पर क्लिक करके आप जो है कि पिक्चर मंगाएंगे दोस्तों, तो आप जो है कि यहाँ से पिक्चर को मंगा सकते हैं, देखिए आ रहा है। इस तरह से हम पिक्चर को मंगा सकते हैं और चेंज पिक्चर की सहायता से पिक्चर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अरे पिक्चर को चेंज कर लेते हैं यहाँ से ये वाला, ठीक। अब हम ये इस दूसरा ऑप्शन इसी में है रीसाइज पिक्चर। रीसाइज पिक्चर के साथ पिक्चर को रिसाइज मतलब बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। देखिए बड़ा हो गया, हम चाहते हैं छोटा हो जाए, तो यहाँ से आप डायरेक्टली भर सकते हैं, मतलब 20% तो 20% छोटा हो जाएगा। आप चाहे तो मैं उसे ट्रैक वैक के भी बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला ऑप्शन है जो पेन ड्राइंग। पेन ड्राइंग क्या होता है, पेन ड्राइंग के अंदर जो भी डिजाइनें रहेंगी हम उसको वर्ड पैड के अंदर बना के लेके आएंगे, ठीक है। तो पेन ड्राइव भी एक अलग सॉफ्टवेयर है जो कि विंडो वर्ड पैड के अंदर दे दिया गया है। ये इसलिए दे दिया गया है कि वर्ड पैड के अंदर भी डिजाइन नहीं है, तो हम पेन ड्राइव के अंदर जाकर जो भी डिजाइन बनाएंगे उसको हम
वर्डपैड के अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर आपको ये वाइट एरिया दिखा रही है, वर्क एरिया। जितना आप सिलेक्शन माउस ड्रैग की सहायता से आप जितना बड़ा लेंगे एरिया, उतना ही बड़ा वहाँ पर जाएगा। तो मैं फिलहाल ये छोटा ही ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से जो भी डिजाइन में बनाऊँगा वो वर्डपैड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, जैसे मैं गोला ही बना लेता हूँ और इसके अंदर थोड़ा सा कोई और डिजाइन डाल लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए, और इसके अंदर हम कोई कलर डाल लेते हैं। ठीक है, ये जो डिजाइन बना है दोस्तों वो हमारा जो है कि यहाँ से वो पेंट वर्डपैड के अंदर चला जाएगा। जैसे ही यहाँ से हम कट करेंगे ऑटोमेटिक वो वर्डपैड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारा डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम से क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें अंदर हम डेट एंड टाइम को मंगा सकते हैं, मतलब इंसर्ट कर सकते हैं, हमको लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे इसमें हमारा 12:57 हो रहा है दोस्तों, तो इसमें देखिए कहीं 12:57 हो रहा है, तो यहाँ से देखिए टाइम हमारा फिलहाल में प्रेजेंट टाइम चल रहा है, तो इसको हम इंसर्ट करा सकते हैं जहाँ पर हमारा कर्सर रहेगा तहाँ पर। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि डेट मंगाना चाहते हैं तो डेट मंगा सकते हैं इंसर्ट कर, जो भी आपको चाहिए, जो प्रेजेंट वाला डेट चाहिए या जो एक बीता हुआ डेट चाहिए तो भी मंगा सकते हैं। ये देखिए हमारा डेट एंड, तो यहाँ से हम डेट एंड टाइम को इंसर्ट करा सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है दोस्तों इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, मतलब इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब कि एक सॉफ्टवेयर में जो डिजाइन नहीं रहती है तो दूसरे सॉफ्टवेयर में इंसर्ट ऑब्जेक्ट दिया रहता है, तो इस वाले सॉफ्टवेयर में जो प्रेजेंट वाला सॉफ्टवेयर है दोस्तों उसमें आप कोई डिजाइन नहीं मिल रही, तो आप दूसरे सॉफ्टवेयर में जाके डिजाइन बना के प्रेजेंट वाले सॉफ्टवेयर में आप मंगा सकते हैं, तो इसीलिए दिया रहता है। जो काम यहाँ पर आपको पेन ड्राइंग दे दिया गया है सॉफ्टवेयर, अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसको भी चूज करके जो भी डिजाइन फोटोशॉप वगैरह जो कोरल ड्रा एक्सेल जो भी बना के फैलाना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके यहाँ से उठ करके आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं नहीं करूँगा, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। फाइंड, फाइंड क्या आता है दोस्तों, फाइंड के द्वारा हम किसी टेक्स्ट या वर्ड को खोज सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पिछले वीडियो में आपको वर्ड नोट पैड के बारे में बताया था तो उसमें फाइंड ऑप्शन आया था। चलिए देख लेते हैं एक बार, इसमें हम मान लीजिए कि हम खोजना चाहते हैं एच। ठीक है, तो एच रहेगा दोस्तों, देखो एच खोज रहा है, हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ही जितना रहेगा वो आपको खोज के दिखाएगा, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब हमारा अगला ऑप्शन है जैसे रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब आप लोग को बताए थे, रिप्लेस भी ऑप्शन आया था नोट पैड के अंदर, तो रिप्लेस का मतलब होता है कि एक अक्षर या किसी टेक्स्ट या किसी वर्ड की जगह उस जगह दूसरे वर्ड को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं तो आप उसको लिखेंगे पहले फाइंड वर्ड में। जैसे मान लीजिए हमें एच के जगह करना चाहते हैं नाइन या जो भी चीज़ है, आप एक अक्षर की जगह एक ही अक्षर रख सकते हैं, या नहीं कि एक अक्षर की जगह पांच अक्षर आप लिख सकते हैं, नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रिप्लेस, ये देखिए रिप्लेस हो गया। अब पूछता है कि एक जगह और, तो यहाँ पर रिप्लेस, अगर चाहते हैं यहाँ पर भी तो रिप्लेस, अगर चाहते हैं जितना जितना एच एच है आप चाहते हैं बैग हो जाए तो आप सेलेक्ट ऑल का यूज़ करेंगे और क्लिक करेंगे जहाँ जहाँ एच था तहाँ तहाँ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा अगला ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब कि पूरा एक बार सेलेक्ट हो जाएगा, वर्क एरिया के अंदर जितना भी डेटा रहेगा पूरा एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा, चाहे आप कॉपी करिए, चाहे कट करिए, चाहे डिलीट करिए, तो हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वाली वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बट आप लोग को एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों, अभी तक मेरा जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक आप लोग मेरे सपोर्ट नहीं करें, अपने भाई का सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक मैं आपको आगे नहीं बढ़ पाऊँगा दोस्तों। अगर आप लोग की बहुत ज़रूरी मेरा हेल्प आप लोग करिए, अगर आप लोग हेल्प नहीं करेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा दोस्तों। तो इसी के रिलेटेड मैं आपको कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोग को जो है कि कंप्यूटर कोर्स के बारे में सिखाता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों।